ग्वालियर में ओबीसी महासभा के लोगों ने सिरौल थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। ओबीसी महासभा के लोगों का आरोप था कि थाना प्रभारी और उसके स्टाफ के द्वारा गुंडागर्दी कर अवैध वसूली की जा रही है, लोगों को झूठे केस में फंसाया जा रहा है। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि एक महीने के अंदर अगर थाना प्रभारी सहित दोषी पुलिस कर्मियों को थाने से नहीं हटाया गया तो वो ग्वालियर से भोपाल तक जो है पैदल यात्रा कर कार्रवाई की मांग करेंगे। मामले को लेकर ओबीसी महासभा ने सीएसपी यूनिवर्सिटी रत्नेश सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपा और मामले को लेकर जिलाध्यक्ष राजेश सिंह कुशवाह ने बताया कि होरावाली क्षेत्र में वाटर प्लांट चलाने वाले नीरज यादव और प्लांट कर्मचारियों को पुलिस ने झूठे प्रकरण में फंसाया है और जबरन वसूली भी की जा रही है। वहीं मामले को लेकर पुलिस बल के साथ थाने पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उन्हें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये ओबीसी महासभा के द्वारा थाना सिरौल के थाना प्रभारी और कुछ उनके स्टाफ के द्वारा कुछ कार्रवाइयों को लेके विरोध जताया गया है, तो उस चीज़ को ज्ञापन लिया गया है उनका और उस चीज़ की हम लोग जांच करा लेते हैं। जांच पे जैसी सूरत होगी उस तरह की कार्रवाई की जाएगी।